अमेठी कस्बे के हनुमानगढ़ी मंदिर से गाजे बाजे के साथ आज भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ये शोभायात्रा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में पूजित अक्षत को घर घर पहुंचने को दृष्टिगत रखते हुए निकाली गई। इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी अमेठी जनपद में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ली गई है। जनपद के प्रत्येक घरों तक ये पूजित अक्षत पहुंचाया जाएगा। आज की यह शोभायात्रा हनुमानगढ़ी मंदिर से चलकर गांधी चौक होते हुए स्टेशन रोड तिराहा तथा अंबेडकर तिराहे से होकर वापस हनुमानगढ़ी मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष एवं महिला राम भक्तों ने हिस्सा लिया। वहीं पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी अभिमन्यु उपाध्याय ने बताया कि 492 वर्षों के पास लंबे इंतजार के बाद अब वह घड़ी आ गई है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। हम लोग अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत को घर घर तक पहुँचाएंगे। इसका संकल्प विश्व हिंदी परिषद के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने लिया है, जिसको हम लोग हर कीमत पर पूरा करेंगे। रैली निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? जो श्री राम मंदिर अयोध्या में 492 साल पश्चात बन रहा है, हमारे लिए गौरव का विषय है, समस्त हिंदू समाज के लिए। वहाँ से जो पूजित अक्षत आया हुआ है, उसको हर घर हर जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हिंदू परिषद अपने जिम्मे लिया हुआ है। यहाँ पर वो अक्षत ला करके अब हर पूरे अमेठी ज़िले में हर घर तक अक्षत पहुँचाया जाएगा। इसीलिए इस अक्षत की हम लोग हनुमानगढ़ी से कलश यात्रा निकाले। ये कहाँ कहाँ नगर में घुमाई गई है? इन नगर में समस्त अमेठी कस्बे में हनुमानगढ़ी से निकलकर चौक होते हुए रंजे तिराहा अम्बेडकर तिराहा यहाँ RSS कार्यालय पर समाप्त।